हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं नासिक पंचवटी से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर गूगल मैप से देखें तो नासिक से ओंकारेश्वर तकरीबन 411 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें यहाँ पहुँचने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। सुबह के 6:15 बज रहे और थोड़ी ही देर में हम मुंबई आगरा हाईवे पर होंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पे। वैसे कुछ ही देर पहले हमें हाईवे पे एक चाय की टपरी दिखी थी, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो शायद हमें 2-3 घंटे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। रास्ते भी काफ़ी बढ़िया है और अगर आप बाई रोड आते हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ से थोड़ी ही देर में घाट शुरू हो जाएगा। हाईवे के दोनों ही तरफ पहाड़ और हरियाली आपको देखने को मिलती है। वैसे रास्तों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन स्पीड ब्रेकर आपका साथ नहीं छोड़ते, एक साथ 10-12 के झुंड में आते हैं। सहलेंगे थोड़ा सा।
हमने महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर क्रॉस कर ली है और ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ से सिर्फ 170 किलोमीटर की ही दूरी पर है। बाइक वालों के साथ न जाने कौन सी दुश्मनी है, इतनी छोटी सी जगह रखते हैं जाने के लिए। हमने दानो जिले से राइट लिया है और मंदिर पहुंचने में अब बस 70 किलोमीटर बचे हैं, कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से हमें नर्मदा नदी के दर्शन मिले हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मंदाता आइलैंड पे। अगर गूगल मैप पे आप देखेंगे तो ये आइलैंड के दोनों ही तरफ से नर्मदा नदी बहती है। सामने जो भीड़ आपको दिख रही है वहां पे हमें पहुंचना है। अच्छा, अगर आप चाहो तो नाव में बैठकर भी नदी की दूसरी तरफ जा सकते हो। दोस्तों, भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे दर्शन करने।
about that is making it hurt. मंदिर के अंदर फोटो या वीडियो खींचना मना है, तो हम रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद कर देंगे। दोस्तों, 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिले। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है और खांडवा सिटी से बिल्कुल ही पास में है। आप देख रहे हैं नर्मदा नदी जो मंदिर के बिल्कुल करीब से बहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।